नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस एंड इंक्रेडिबल इंडिया के पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस ग्रह में हम रहते हैं इसमें कई जगहें वैज्ञानिकों के लिए आज भी अबूझ पहेली बना हुआ है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे रहस्यमय जगहों को देखना व उसके बारे में जानना पसंद ना हो। दोस्तों, आपको अपने सोफे पर बैठे बैठे आज हम वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर चल रहे हैं, जहां हम भारत के 16 अजीब व विचित्र रहस्यमय जगहों के विज्ञान कहानियां और उनसे जुड़े रोचक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर है खूनी नदी, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली। अ रिवर दैट सक्स पीपल डोंट डेयर टू गो नियर द खूनी रिवर। वास्तव में यह भारत के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जिसे ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस नदी के पानी को छू भी लेता है तो यह नदी उसे निगल जाती है और वह व्यक्ति दोबारा वापस नहीं आ पाता है। यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि यह एक भूतिया जगह है, क्योंकि सूरज के डूब जाने के बाद नदी के किनारे डरावनी और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आप खूनी नदी पर तभी जाएं जब आप भूतों के रहस्य सॉल्व करने वाले या फिर आपको भूतों से डर ना लगता हो। मेरा तो सुझाव है कि आप अकेले या शाम ढलने के बाद वहाँ कतई ना जाएं, क्योंकि यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा होगा कि नदी से दूरी बनाकर रखें। दूसरे नंबर पर है अ ड्राउनिंग चर्च, सेट्टीहाली, कर्नाटक। बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर सेट्टीहाली में स्थित रोजरी चर्च को सन 1860 में फ्रांस के मिशनकारियों द्वारा बनाया गया था। यह चर्च उन दिनों सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। हेमबत्ती सरोवर पर गोरूर डैम के निर्माण की वजह से मानसून के दिनों में यह चर्च पानी में डूब जाता है और पानी उतरने के बाद फिर से दिखाई देने लगता है। अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे इस चर्च को डूबता हुआ चर्च कहते हैं। तीसरे नंबर पर है जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। जमाली एक महान सूफी संत और कवि हुआ करते थे। यह मस्जिद जमाली की मृत्यु के बाद 1528 से 1529 में बनवाया गया था, जबकि कमाली के बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी दर्ज नहीं है। जमाली कमाली दोनों मकबरों का निर्माण एक साथ हुआ था। लोगों का कहना है कि यह मस्जिद भूतहा है। यहाँ आने के बाद लोग असहज महसूस करने लगते हैं। किसी को यहाँ अनजान परछाई का एहसास हुआ तो किसी ने रात को वहाँ पर डरावनी आवाजें सुनी। यहाँ पर आपको डरावने वातावरण का एहसास होने लगता है। चौथे नंबर पर है हम्पी और किष्किंधा। दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव हम्पी विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल है। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेलगांव से 190 किलोमीटर दूर है। मंदिरों का यह प्राचीन शहर मध्यकाल में हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ कभी श्री राम के काल में किष्किंधा क्षेत्र हुआ करता था। आजकल होसपेट स्टेशन से 2.5 मील दूरी पर और बेल्लारी से 60 मील उत्तर की ओर स्थित यह पहाड़ी स्थान को किष्किंधा कहा जाता है। रामायण के अनुसार यह बानरों की राजधानी थी। यहाँ ऋषिमुख पर्वत तथा तुंगभद्रा के घेरे को चक्र तीर्थ कहते हैं। रामायण काल में किष्किंधा बानर राजवाली का राज्य था। कर्नाटक के दो जिले कोप्पल और बिल्लारी को मिलाकर किष्किंधा राज्य बनता है। किष्किंधा में घूमने के लिए कई स्थान है। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पंपा सरोवर है। हनुमान जी की जन्म स्थली अंजनाद्री पर्वत यही है। बाली की गुफा सुग्रीव का निवास स्थान ऋषिमुख पर्वत भी यही स्थित है। किष्किंधा के दूसरे भाग बिल्लारी जिले में भगवान राम ने चतुर्मास किया था। हनुमान आदि बानरों ने सीता का पता लगाकर लौटते वक्त जिस वन में फल खाए थे वो मधुवन यहीं पर है। पांचवे नंबर पर है द्वारिका नगर। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र तल में स्थित है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और सात पवित्र पुरियों में एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका दो है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। एक समय था जब द्वारिका को लोग काल्पनिक नगर माना करते थे। इस कल्पना को 1979-80 में
प्रोफेसर राव व उनकी टीम ने समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार को खोजकर सच साबित कर दिखाया। छठे नंबर पर है काशी। काशी का हिंदू धार्मिक स्थलों की तुलना में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। काशी एक रहस्यमय स्थान है। वेद पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। शहरों और अन्य नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। काशी नगर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। दो नदियों वरुणा और आस के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। सातवें नंबर पर है द ग्रेट बनियान ट्री, कोलकाता। कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित ग्रेट बरगद का पेड़ आपको एक रहस्य से कम प्रतीत नहीं होगा। यह बरगद का पेड़ आपके लिए कल्पना से परे है, जो लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। इस बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है। इस बरगद के पेड़ की जड़ें हवाई जंगल की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ यह भी दिलचस्प है कि इसकी जड़ें सतह से 25 मीटर ऊपर हैं। आठवें नंबर पर है फुकताल मोनास्ट्री, लद्दाख। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर बना हुआ फुकताल मठ की संरचना मधुमक्खियों के छत्ते के समान है। एक गुफा के अंदर बना हुआ यह मठ 2500 साल पुराना माना जाता है। उस गुफा में बने मठ के सामने एक गहरी खाई है। इस मठ तक पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता है। यह कल्पना करना भी किसी रहस्य से कम नहीं है कि 12वीं सदी में इस मठ का निर्माण कैसे किया गया होगा। यह रास्ता लद्दाख के सबसे कठिन रास्तों में से एक है। नौवें नंबर पर है सीख बीच, उड़ीसा। आपने एक शांत और शानदार समुद्र तट की हमेशा ही कल्पना की होगी, लेकिन उड़ीसा का यह समुद्री तट आपको किसी रहस्य से कम नहीं लगेगा। यह समुद्री तट जो उच्च ज्वार के कारण गायब हो जाता है और ज्वार कम होने के बाद फिर से दिखने लगता है। उड़ीसा का यह तट हाइड एंड सीख बीच के नाम से जाना जाता है। दसवें नंबर पर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक हवाई जहाज के जैसी आवाजें सुनाई देती रही हैं। इन ध्वनियों में रहस्यमय बात यह है कि यह ध्वनियां हवाई जहाज का आविष्कार होने से पहले भी सुनी गई हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता है। इन ध्वनियों ने हमेशा ही विशेषज्ञों को हैरान किया है। इन रहस्यमय स्थानों से जुड़ी असमान घटनाएं यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग रोमांचक एहसास दिलाती हैं। ग्यारहवें नंबर पर है मत्तूर गाँव। इस गाँव में हिंदू मुस्लिम सब संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गांव। इस गांव की खासियत यह है कि यहां के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में बात करते हैं। 10 साल की उम्र में ही बच्चों को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। यहां के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृत बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ बोलने लगे थे, लेकिन 35 से 40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गाँव संस्कृत में बात करने लगा। मत्तूर गाँव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां हर कोई केवल संस्कृत में ही बातचीत करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का जिरी गांव। 1000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत में बात करते हैं। जिरी लोगों के मुताबिक उनके गांव का नाम कर्नाटक के मत्तूर गाँव के पहले आना चाहिए, क्योंकि मत्तूर में 80% आबादी ब्राह्मण की है, जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं जिरी में केवल एक ब्राह्मण परिवार है। 12वें नंबर पर है चाइनीज काली मंदिर, कोलकाता। कोलकाता के टंगरा जिले में स्थित यह विचित्र काली देवी का मंदिर अपने आप में खास है। काली पूजा के दिन टंगरा के रहने वाले सभी चीनी निवासी इस मंदिर के सामने एकत्र होते हैं। इस मंदिर का पुजारी एक बंगाली ब्राह्मण है, जो रोज सुबह शाम की आरती के लिए इस मंदिर में आता है। कहते हैं कि किसी पेड़ के नीचे एक काले रंग का पत्थर सिंदूर से रंगा हुआ मिला था। उसी दिन से
उस जगह पर एक मंदिर बनाकर काली माँ की पूजा की जाने लगी। इस मंदिर का प्रसाद ऐसा है जो शायद ही किसी मंदिर का होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको जब नूडल्स का प्रसाद मिलेगा तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। भक्त यहाँ पर नूडल्स, चॉप सुई, चावल और सब्जी चढ़ाकर काली माँ को प्रसन्न करते हैं। 13वें नंबर पर है सुंदरबन का जंगल। जंगल तो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन सुंदरबन का जंगल अपने भीतर कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। सबसे सुंदर और भयानक जंगल होने के कारण यहाँ भारत के कई ऋषि मुनियों ने घोर तप किया है। इस जंगल में घूमने से जो सुकून, शांति, रहस्य और रोमांच का अनुभव होता है वह किसी अन्य जंगल में नहीं। कहते हैं इन जंगलों में बड़ी तादाद में भूत निवास करते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम बंगाल में खान पान जिले में स्थित है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरबन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 14वें नंबर पर है मेवलिनोंग क्लीनेस्ट विलेज मेघालय। मेवलिनोंग मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है जो अपने मातृ सत्रात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा पत्रिका डिस्कवर इंडिया ने 2003 में इस गांव को एशिया में सबसे स्वच्छ और 2005 में भारत में इसे सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। यह गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। साल 2014 की गणना के अनुसार यहां 95 परिवार रहते हैं। यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। 15वें नंबर पर है ग्रोइंग स्टेचू या गांती आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में भगवान शिव के यांगती मंदिर में एक नंदी की प्रतिमा है जिसका आकार दिनों दिन बढ़ रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह प्रतिमा प्रति 20 वर्ष में 1 इंच की दर से बढ़ रही है। 16वें नंबर पर है लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक असम। असम के मारी गांव जिले का मायोंग गांव काला जादू की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह गांव अपने वन्य जीव नदी पर्यटन के लिए एक पुरातात्विक स्थान है। एक समय में इस गांव को भारत में काले जादू की पालना माना जाता था। कहा जाता है कि 1332 में असम पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1,00,000 घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की थी। तब यहां हजारों तांत्रिक मौजूद थे। इस गांव को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। तो दोस्तों, इन रहस्यमय स्थानों में से कौन सा स्थान आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें व वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।